प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के परिवेश और विज्ञान में से अभ्यास 6, जो कि है पर्यावरण के सजीव उपादान के निर्माण संबंधी विशेषताएं एवं कार्य प्रक्रिया के पत्ता यानी पत्तों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ चित्र में बहुत सारे पत्ते बने हुए हैं। पत्ते तुमने हमेशा देखे होंगे, देखे होंगे कि पत्तों का प्रकार अलग अलग होता है, किसी कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई चौड़ा, कोई पतला होता है। ऐसे पत्ते तुमने ढेर देखे होंगे, आसपास देखे होंगे। आज हम जानेंगे इन पत्तों के बारे में कि ये पत्ते इसके अंदर होते क्या क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो, हम एक पत्ता देखते हैं। ठीक है, इस पत्ते को ध्यान से देखो। पत्ते में हम जानेंगे कि पत्तों में होता क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले देखो, यहाँ पे है पत्र किनारा, मध्य सिरा, पत्रविंद, उपपत्र, पत्र मूल और पत्र फलक। वो क्या है वो अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र फलक किसे कहते हैं। ठीक है, तो पत्र फलक क्या है? पत्र फलक है, यह पत्ती का हरा चपटा एवं फैला हुआ भाग होता है। पत्ती का ये जो पूरा भाग जो होता है, ये हरा होता है, चपटा होता है और फैला हुआ होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं पत्र फलक। यह पत्ती का हरा चपटा एवं फैला हुआ भाग होता है। इसके मध्य में पत्रविंद, देखो इसके मध्य में, यह मध्य में जो है पत्रविंद से लेकर पत्ती, पत्रविंद यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वह पत्रविंद है, यानी पत्ती का डंठल है, जिसके सहारे पत्ती जो है यानी पत्र फलक जो है इस मूल तने के साथ जुड़ा रहता है, उसे पत्रविंद या डंठल कहते हैं, पत्ती का डंठल। तो इस पत्र फलक में, इस डंठल से यानी पत्र विंद से लेकर एकदम शीर्ष बिंदु तक, देखो इसके मध्य से, ये मध्य वाला जो है मध्य से, इसके मध्य में पत्र विंद यानी ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से से लेकर पत्ती के शीर्ष तक प्राय एक मोटी सी सिरा है, इसे कहा जाता है मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा के यहाँ दोनों तरफ जो है अनेक पतली पतली शिराएं निकली है, और उससे भी उपशिरा निकली हुई है। ठीक, अनेक पतली पतली शिराएं निकली है जिनसे पुनः पतली पतली शिराएं निकलती है। ये पत्र फलक, अब इन शिराओं का काम क्या है? ये पूरे पत्र फलक को कंकाल की भांति दृढ़ता प्रदान करती है। जिस तरह हमारे शरीर में हमारा ढांचा होता है, कंकाल होता है, जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, उसी प्रकार इन पत्तों के अंदर ये जो शिराएं हैं या उपशिराएं हैं, ये उसे मजबूती प्रदान करते हैं। इसका मुख्य कार्य और इसका इन शिराओं का मुख्य कार्य क्या है? जल तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, यानी इन पत्तों का मुख्य कार्य जो है वो है भोजन बनाना। अब भोजन कैसे बनाते हैं, अब इनका एक और ये हम जानना होगा कि इनके अंदर हरित लवक होते हैं या क्लोरोफिल होते हैं, जिनके कारण ये हरे रंग का होता है। और इसके बाद जब अगर बड़े क्लासों में तुम पढ़ोगे किस तरह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के जरिए ये पत्तियां जो है ये भोज्य पदार्थों यानी सूर्य की रोशनी की मदद से, पानी की मदद से, खनिज पदार्थों की मदद से किस तरह से ये भोजन उत्पन्न करती है, और भोजन को पत्तियों से मध्य शिरा से होते हुए पत्र विंत या डंठल से होते हुए तने यानी पूरे पेड़ में उस भोजन यानी उस ऊर्जा को संचारित करती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब जानते हैं ये पत्र विंत, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ये क्या है। अधिकांश पौधों के जो पत्तियाँ होती हैं उनमें एक लंबा डंठल होता है, ये एक लंबा डंठल होता है जिसे पत्र विंत या डंठल यानी पौधों का, पत्तों का डंठल कहते हैं। जिन पत्तियों में पत्रविंद होता है, अब कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियों में ये डंठल होता है, और जिन जिन पौधों के पत्तियों में ये डंठल होता है उन्हें सवृंत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम का पौधा ले लो, पीपल का पौधा ले लो, आसपास तुम्हारे जितने भी ये जवा फूल का पौधा ले लो, नॉर्मल जितने भी पौधे तुम्हें दिखते हैं उन सब में पत्तों में डंठल होता है। अगर डंठल होगा तो उन्हें सवृंत कहेंगे, और बहुत से ऐसे पत्तियां भी होती हैं जिनमें डंठल नहीं होता है, उन्हें अवृंत कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? अवृंत। अवृंत का उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लो गेहूं का पौधा ले लो, या भुट्टा जो खाते हो उसका पौधा ले, यानी मक्का जो है उसका पौधा ले लो, उसकी पत्तियां जो होती है उसमें डंठल नहीं होते,
तो उन्हें कहा जाता है अवृंत, और जिनमें डंठल होते हैं, जिनमें डंठल होते हैं उन्हें कहा जाता है सवृंत। ठीक है, अब आया पत्रमूल या पत्राधार, जिसे बेस भी कहते हैं, लीफ का बेस यानी ये वाला हिस्सा। ठीक, ये पत्ती का आधारीय भाग है जो पत्र विंत और स्तंभ को जोड़ता है, यानी देखो पत्र फलक और स्तना इन दोनों को जोड़ने का जो काम कौन कर रहा है, ये वाला हिस्सा कर रहा है, ये वाला यानी पत्र विंत और स्तने को जोड़ने वाला काम जो है पत्र मूल कर रहा है, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक, पत्र मूल में कुछ और तुम्हें अनुपर्ण या उपपत्र भी दिखेंगे, ये जो है इस पत्ते के टूटने के बाद ये वाला यहाँ से भी एक पत्रा नया पत्ता आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं पत्तियों के प्रकार, पत्ती किस किस प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखो किताब में ध्यान दो पत्तियों के प्रकार। अब देखो यहाँ तुम्हें दो प्रकार के पत्ते दिख रहे हैं। ठीक, इसमें देखो ये एक पूरा पत्ता है, लेकिन इसमें देखो छोटे 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 बहुत सारे पत्ते हैं, तो ये कौन सा पत्ता है, देखो इसे कहते हैं सिंपल लीफ या सरल पत्ती कहेंगे। ठीक, क्या है ये, वह पत्ती जिसमें केवल एक ही पत्र फलक हो, उसे कहा जाएगा क्या, सरली पत्ती या सिंपल लीफ। लेकिन जहाँ पे छोटे 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 पत्र फलक एक साथ जुड़े हुए हो उन्हें कहा, यानी एक से ज़्यादा पत्र फलक दे, एक से ज़्यादा जब फलक आते हैं, जब जो मध्य सिरा से जुड़े रहते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक, उन्हें कहते हैं यौगिक पत्र या कंपाउंड लीफ। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ध्यान दो पत्तियों का कार्य क्या है, इन ये जो पत्ते हैं जिनका कार्य क्या है, पत्तियों का कार्य देखो, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। अब जैसे तुम्हें मालूम है पेड़ पौधों के समय क्या मिलता है, हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है, और पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद हम जानते हैं ये जल तथा घुलनशील भोज्य पदार्थों का पत्तियों के स्तंभ तथा तक संचरण की में सहायता करती है, यानी मिट्टी से जो जल खनिज पदार्थ जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाने में भी इनका कार्य आता है, कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का भी कार्य करती है। ठीक है, अब कुछ कुछ पत्तियां में रूपांतरण होता है, जैसे कुछ कुछ पत्तियों में देखो कांटे लगे होते हैं, ये भी ख्याल किया होगा तुमने, कुछ कुछ पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, कुछ कुछ पत्तियों में इस तरह से स्प्रिंग जैसे आकृति बने रहते हैं। ठीक, जैसे देखा होगा तुमने खीरा का पेड़ अगर देखा होगा, या कद्दू का पेड़ देखा होगा, उसके पत्तियों में देखा होगा इस तरह से रिंग रिंग आकर के बने रहते हैं, या मटर का पेड़ देखा, मटर के पेड़ में तुमने देखा होगा ऐसा। ठीक, तो ये रूपांतरण क्यों हो रहा है, कुछ यानी ये उन पेड़ों में होता है जिनका ये तना जो है, ये स्टेम, ये जो वाला भाग होता है वो दुर्बल होता है, यानी वो अपनी मदद से स्वयं खड़े नहीं हो सकते, तो वहाँ पे पत्तियों में ये रूपांतरण होता है, पत्तियाँ स्प्रिंग आकार धारण करती हैं, जिससे वो दूसरे पौधे जो मजबूत पत्ते हैं जिनका तना मजबूत है उसको पकड़ के वो बढ़ सके। कुछ कुछ पौधों में तुम्हें कांटे मिलेंगे, वो कांटे किस लिए, वो कांटे हैं बचाव के लिए। ठीक, ताकि वो दूसरे पौधों से या दूसरे पशु पक्षियों से अपना बचाव कर सके, इसलिए उन पौधों के ऊपर कांटे लग जाते हैं, ये खास करके वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती, यानी डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पौधे जहाँ पे कैक्टस मिलते हैं वो अपना बचाव, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ही मूल्यवान है, यानी बहुत ही पानी कम मिलता है, तो अपने अंदर पानी को बचाए रखने के लिए ताकि दूसरे जीव जंतु उस पानी को इस्तेमाल यानी ना इस्तेमाल कर सके, इसीलिए वो अपने पौधों में अपने पत्तों में कांटे उगा लेते हैं। ठीक, अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि पत्त मध्य शिरा से उप शिराएं निकली हैं, बहुत सी छोटी छोटी शिराएं निकली हैं। ठीक, तो इन शिराओं को, तो क्या हर पौधों में ऐसे, हर पत्तों में ऐसे ही शिरा होती है, नहीं, तो ये भी दो प्रकार की होती है। अब तुमने ख्याल किया होगा अगर जवा पत्ता तुम्हारे घर में हो, तो वो अगर तुम्हारे घर में होगा ही, वो अगर ला के देखो, और बगल में कहीं केले का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, उसका पत्ते अगर ध्यान से देखो तो देखोगे कि जवा पत्ते की शिराओं में और केले के पत्तों की शिरा में थोड़ा अंतर तुम्हें मिलेगा। जवा पत्ते की जो शिराएँ होती है वहाँ पे देखोगे ये जो शिराएँ जो है, उप शिराएँ जो या शिराएँ जो है, ये एक जाल का आकार धारण करती है, देखो एक जाल जैसा लग रहा है, तो इन्हें जालिका, इन्हें कहते हैं जालिका शिरा विन्यास, ये जो जाल रूपी जो है तो इन्हें कहा जाता है जालिका शिरा विन्यास। और केले के पत्तों में देखना, केले के पत्तों में जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा,
केले के पत्तों में जब तुम देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, समानांतर होता है। समानांतर यानी ये शिराएं जो होती हैं, ये शिराएं इस तरह से ना होके समानांतर यानी पैरेलल होती हैं, इस तरह से ना होके क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो वहाँ पे बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है समानांतर शिरा विन्यास। और इन्हें यानी जहाँ जिन पत्तियों में इस तरह के शिराएं आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं, एक जाल रूपी धारण करती है, उन्हें बोला जाता है जालिका शिरा विन्यास। ठीक है बच्चों, तो इस अभ्यास को जो हमने पढ़ा, बहुत सारे सवाल भी हमने जाने, बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं। तो सवाल क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो है कि पत्र फलक किसे कहते हैं, ठीक, पत्र वृंत किसे कहते हैं, पत्र किनारा क्या है, मध्य शिरा किसे कहेंगे, पत्र मूल किसे कहेंगे, ये पत्तों का क्या कार्य है, पत्तों में रूपांतरण क्यों होता है, या पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, क्या वो या फिर एकक पत्र किसे कहेंगे या यौगिक पत्र किसे कहेंगे, तो ये सब अलग अलग सवाल है। इन सवालों को ये इस वीडियो को बनाते समय मैंने बोला भी आंसर, इन सवालों का आंसर तुम वीडियो एक बार दोबारा देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। इन सवालों को तुम कॉपी में लिखो और उसका आंसर भी लिखने की कोशिश करो, ठीक है।